Buzz. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद रज़ा खान, आप देख रहे हैं एज बट्स इंफॉर्मेटिव। तो व्यूअर्स, आज हम राफ़ी भाई के सेटअप पे मौजूद हैं और राफ़ी भाई ने जो है अभी अभी सेटअप लगाया है माशाल्लाह, और ब्रीड वगैरह भी माशाल्लाह इनके पास आ गई है लबर्ड्स कॉकटेल वगैरह की। तो आइए राफ़ी भाई से मालूमात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इनके पास बर्ड्स वगैरह लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राफ़ी भाई? ठीक है, अल्लाह करम। राफ़ी भाई, व्यूअर्स को सबसे पहले बताएं बर्ड्स कौन कौन से लगाए हैं आपने? माशाल्लाह से मैंने अल्बिनोज लगाए हुए हैं, पार्ब्लू लगाए हुए हैं, येलो चेस्ट लगाए हुए हैं, लुटीनो लगाए हुए हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल्स हैं और रिंगनेक्स हैं। अच्छा, तो इनकी ब्रीड वगैरह आ रही है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कितने पेयर इसमें से हम बोले ब्रीड कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सारे ही पेयर ब्रीड कर रहे हैं, माशाल्लाह ही ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो राफी भाई ये बताएं कब से बर्ड्स की फील्ड में आप हैं और शौक कब से कर रहे हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कब देखा आपने? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2 साल पहले इसको देखा है, उससे पहले तो मैं मतलब 6 साल की उम्र से शौक कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो पहला बर्ड आपने कौन सा लगाया था ये बताएं? पहला बर्ड मैंने जो अपनी बिगनिंग की थी वो ऑस्ट्रेलियन से की थी, और लव बर्ड्स में जब मैं आया था जब मैंने तो मैंने लुटीनो, जो सिंपल लुटीनो होता है, उससे शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस टाइम आपके पास कितने पेयर लगे हमें बताएंगे? अभी मेरे पास तकरीबन 6 से 7 पेयर लगे हुए लव बर्ड्स के, अलग अलग इस हिसाब से ही चल रहे हैं। और अभी मैंने कुछ सेटअप्स हटाए भी, मतलब पूरा ही भरा हुआ होता था, कोई 12-13 पेयर थे तो ख़त्म कर दिए। तो राफी भाई अब बर्ड्स वगैरह दिखाने भी बर्ड्स को? जी जी, चलें चले आ जाए। जी राफी भाई, स्पेयर के बारे में बताएं क्या है ये? स्पेयर है ये लुटीनो का है, लुटीनो रेड आईज है। इसके साथ हमने ना फोस्टर किए हुए हैं 2 बच्चे, एक ग्रीन अपलाइन का है और एक फिशर स्प्लिट ब्लू है, मतलब दोनों एक ही पेरेंट्स के। इनके पेरेंट्स है पार्ब्लू अपलाइन और फिशर स्प्लिट ब्लू। इनके पेरेंट्स आपको दिखाते हैं आगे। जी तो ये बताएं ये क्या है? ये भी यही पाब्लो अपलाइन है, रेटी मास्किंग का पाब्लो अपलाइन है। इसने अपना अपलाइन कंफर्म किया था मेरे साथ 1 साल पहले, सो मैंने अलग अलग फीमेल के साथ लगाया, उन्होंने इसने अच्छा रिस्पांस दिया है बर्ड ने। ये फिशर स्प्लिट ब्लू के साथ लगाया हुआ है, इसके साथ इसने 6 बच्चे निकाले हैं माशाल्लाह, और ये 2 इसके नीचे हैं और 2 आगे वाले फोस्टर पेयर के अंदर हैं। अच्छा, यानी आप फोस्टिंग का सिलसिला भी आपका जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राफी भाई, तो इसके पेयर के बारे में बताएंगे कौन सा ये? ये माशाल्लाह माशाल्लाह से एल्बिनो रेड आईज का पेयर है, रेड टू रेड लगा हुआ है। लेकिन इसमें एक अल्लाह ताला की कुदरत भी है कि ये जो इसकी फीमेल है जी, ये ब्लाइंड है दोनों तरफ से, ये देख नहीं सकती। अच्छा, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास 1 साल से जो है बच्चे पालती भी है, बच्चे निकालती भी है, उनको फीड भी बेहतरीन तरीके से करवाती है, और इसने अभी भी पालती भी है। यानी अल्लाह पाक की कुदरत देखें आप, हालांकि वो उसको नजर ही नहीं आता फिर वो फीड करवाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे ही बेहतरीन फीड करवाती है माशाल्लाह से। ये रेड टू रेड मैंने पेयर किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह से इसकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बर्ड है ये। अच्छा, वरना लोग तो कहते हैं कि रेड टू रेड जो है रॉन्ग होती नहीं है, और नहीं, जो है एक्सपायरी रेशियो आता है चिक्स वगैरह का, तो नहीं, ये माशाल्लाह से मेरे पास इसकी 3rd ब्रीड आ रही है, और लेकिन ये बेहतरीन बर्ड है। अच्छा, मेरे पास रेड टू रेड ये मैंने प्रोड्यूस किया था रेड ये वाला, और ये मैंने बाई की थी, जो फीमेल है ना ये मैंने बाहर से बाई की थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये अल्लाह की कुदरत है, आप देखें इसको ब्रीड की हुई है। ठीक है, तो आपके पास एवरेज इसके कितने जो है चिक्स आते हैं? जो आता है ना 4 बच्चे का आता है, लेकिन कभी कभी इसने एक दफा मेरे पास 5 बच्चे भी निकाले हैं। सही, उसको मैं फोस्टर कर देता था, तो इसकी कोशिश यही करनी चाहिए कि हर बंदे को इसकी फोस्टर करते हैं, रेड टू रेड के ज्यादा अच्छा है। सही है, ठीक है जी। राफी भाई, इस पेयर के बारे में बताएं क्या पोजीशन है इसकी? ये माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास 2 से 2.5 साल से है, और ये एक येलो चेस्ट है और एक ऑलिव है, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से येलो चेस्ट भी निकालता है, ऑलिव भी निकालता है। अभी इसने 2 माशाल्लाह से येलो चेस्ट के बच्चे निकाले में, इसने टोटल निकाले थे 4, लेकिन वो 2 जो है वो पहले ही बच्चे होने से, मतलब थोड़ा निकलने से पहले ही मर गए थे, वो थोड़ी मेरी हमाकत से मर गए थे, इस वजह से वो माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा पेयर है, साइज इसका बेहतरीन है। सही है जी। तो राफी भाई, इस पेयर के बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेयर है, ये भी मैंने बहुत अच्छे प्राइस में लिया था, और ये जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास ब्रीड कर रहा है, और ये फोस्टिंग पेयर के तौर में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और ये 6 बच्चे भी पालता है मेरे पास माशाल्लाह से। माशाल्लाह, सही है, और ये बेहतरीन लव बर्ड है, मतलब मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा जो 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 लव बर्ड्स के हैं, तो ये वाला पेयर जो लव बर्ड्स का है, जो नॉन रिंग बर्ड है, वो सारे पाले व्हाइट फेस। व्हाइट फेस, ठीक है।
इसमें भी दो आते हैं लबड़ से, एक तो ग्रीन फेस होता है एक वाइट फेस। तो वाइट फेस जो होता है उनका साइज भी अच्छा होता है और वो बेहतरीन मतलब फोस्टिंग अच्छी करते हैं, सबसे बेहतरीन फोस्टर कहलाते हैं वाइट। ठीक है, तो और कोई पेयर दिखाना चाहेंगे जी? तो राफे भाई इस पेयर के बारे में बताएं, क्या ये भी फोस्टिंग के लिए आप इस ये यूज भी कर रहे हैं? माशाल्लाह से फोस्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसके नीचे कोई फोस्टर नहीं किए हुए, इसके नीचे इरादा है एल्बिनो के फोस्टर करने का। अच्छा। अब उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसके नीचे फोस्टर कर देंगे, उससे फर्स्ट टाइम फोस्टरिंग कराऊंगा, क्योंकि इसके पहले ही दफ़ा इसके साथ कोई दूसरा मेल लगा हुआ था वो फ्लाई कर गया था इसके साथ पहले। अब मैंने लुटीनो लगाया है तो इसकी फर्स्ट ब्रीड आई है इस मेल के साथ, और नई फीमेल जो है ब्रीडर है और एक बेहतरीन फीमेल है ये भी। ठीक है, तो राफे भाई एक बात बताएं व्यूअर्स को, फोस्टिंग का आपका सिलसिला जारी है, क्या प्रोसेस होता है, तरीकेकार क्या होता है फोस्टिंग का, गाइड करेंगे न्यू फ्रेंचर फोस्टिंग को? का यही तरीकेकार होता है कि आप जो है सबसे पहले तो ये करो कि यार जब दोनों आप कोशिश करो कि जिसके नीचे आपने फोस्टर करना है ना उसकी ब्रीड उस पेयर के बाद आए, क्योंकि अगर उसकी पहले आती है उस पेयर की ब्रीड जो आपने जिसके नीचे फोस्टर करना है, तो जब तक आप फोस्टर करोगे उसके नीचे अल्लाह ताला ने उस अंडे के अंदर जान डाल दी होगी, और जब वो आप अंडे हटाओगे तो आपको गुना मिलेगा क्योंकि आपने एक जानदार की हक छीन लिया जीने का। बिल्कुल सही है, तो आप कोशिश यही करो कि वो वाला पेयर आपको जल्दी बीट करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जो आपके अंडे ख़राब होते हैं ना एवरी में, वो आप संभाल के रख लो और वही वाले अंडे उसके नीचे रख दो ताकि वो ठीक है, प्रोसेस चलता रहे, तो वो सही। जो उसमें जान ना है, वो तो पहले अंडे ख़राब होंगे और जैसे ही उसके साथ पेयर के एग्ज आए और उसको रिप्लेस करते रहो करते रहो करते रहो, सही इस तरीके से आपकी फोस्टिंग हो जाती है। सही। और एक तो और बात मैं आपको हाँ बताना चाहूँ कि आपके पेयर ने फोस्टिंग पेयर जो था आपका, फर्स्ट करो एक लुटिनो का पेयर है उसने अंडे दिए हुए हैं, सही है, अच्छा उसके अंडे हैं इनफर्टाइल या उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे, इनफर्टाइल हो गए, आपने क्या करना है कि छोटा बच्चा उठाना है एल्बिनो का जो आपके पास निकला हुआ है, आप चाह रहे हो कि मैं बच्चे ही घुमा दूँ, तो आप बच्चे भी घुमा सकते हो, आप अच्छा उनके अंडे उठा लो, उनके नीचे अगर 6 अंडे ना 6 के 6 बच्चे रख दो, वो समझ लेंगे हमारे बच्चे हैं, वो पाल लेंगे, मेरा एक्सपीरियंस है, अच्छा ये रिसेंट मैं करता रहता हूँ अक्सर, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और ये हो जाते हैं, सही है, ये 100% काम करता है। सही है। तो और कोई बर्ड दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को? रफे भाई ये कॉकटेल का कौन सा पेयर है बताएं, क्या ब्रीड वगैरह करी है आपके पास? माशाल्लाह माशाल्लाह से ही मेरे पास बहुत साल पुराना प्यार है, मतलब जब मैंने कॉकटेल का शौक़ भी जब से शुरू किया हुआ है और ये बेहतरीन बीट करता है। अच्छा कॉकटेल के बारे में एक बात बताऊं मैं कि आप अगर आपके पास सेट हो जाए ना तो फिर इसको कोई मसला नहीं है बीट करने में, बीट करता रहता है, बेहतरीन बीटर प्यार बन जाता है उसके बाद ही, लेकिन अगर आपने किसी को कहीं से लाए हैं तो ये आपके पास सेट होने में टाइम लगाता है, तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है जो कॉकटेल्स पाल रहे हैं, अगर जैसे न्यू फैंसियर है उसने कहा मुझे कॉकटेल लगाना है तो वो आपके पास ब्रीड करने में 6 महीने भी ले सकता है, सही सही है, और माशाल्लाह से मेरे पास बेहतरीन ब्रीड करता है, 4 4 बच्चे भी निकालता है, अभी भी इसने 4 बच्चे निकाले हैं और इसके 2 बच्चे मैंने आगे दे दिए हैं, सोल्ड कर दिए पहले ही ठीक है। हैंड फीडिंग पर्पज़ के लिए। तो राफे भाई ये तो बर्ड्स की ब्रीड वगैरह हो गई, व्यूअर्स को बर्ड्स दिखा दी, अब बताएं ये आप जो है सॉफ्ट फूड हाथ में लिए हुए हैं, ये आज के डे का सॉफ्ट फूड है, वीकली शेड्यूल क्या होता है, और बर्ड्स को देना सॉफ्ट फूड कितना जरूरी है, ये गाइड करें व्यूअर्स को। अच्छा बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड तो ऐसे है जैसे हमारे लिए खाना, और ये तो एक तरीके से सॉफ्ट फूड जो है बेहतरीन खुराक है। अभी जो सॉफ्ट फूड है ये मैं अलग अलग डेज़ में अलग अलग देता हूँ, जैसे आज फ्राइडे है ना तो आज मैंने इसके साथ गंदम और हरा मूंग जो है ये हरा मूंग दिया है, ठीक है, सही है, और जैसे कल संडे और सैटरडे जो है इसी के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी चना, काला चना, अच्छा उसके बाद मंडे टू वेनसडे उसमें लोबिया ऐड हो जाता है, लेकिन गंदम और ये जो हरा मूंग है ना ये तो परमानेंट है, कभी कभी इंशाल्लाह, हरा ठीक मूंग जो है कि हटा देता हूँ क्योंकि ये सख्त है, थोड़ा टाइम लेता है नरम होने में, और वरना ये यही प्रोसेस चलता है, लाल लोबिया, काले चने और हरा मूंग और गंदम। कोशिश करें गंदम जो है ना ये कोई मार्ट से ले लें, आप जो परचून वाले से लेके आएंगे या किसी भी से लेके आएंगे ना वो थोड़ी सख्त होती है, वो ना बर्ड्स आराम से खा नहीं सकते, तो ये जितने भी मार्ट बने हुए सेवर्स हो गया, इम्तियाज हो गया या सुपर मार्केट हो गई, तो वहाँ से ही आप ले लेंगे ना तो बेहतरीन गंदम भी आपको अच्छी मिल जाएगी, साफ़ सुथरी मिल जाएगी, क्लीन मिल जाएंगे सीड्स आपको, और ये हरा मूंग भी वहीं से ले लें, काले चने भी वहाँ से ले लें, तो सीड्स आपको साफ़ मिलेंगे, बर्ड आपको आराम से उठा लेगा। बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायत ये आती है कि हमारा बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड उठाता नहीं है, तो इसी वजह से नहीं उठाता कि आप इसको क्लीन सही नहीं करते, इसके 3 से 4 पानी निकालें ताकि इसमें से गंद गुबार जो है वो साफ़ हो जाए सारा। ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स को राफे भाई ये बताएं कि आप बर्ड्स को अपने दाने पानी में क्या इस्तेमाल करवाते हैं? अच्छा दाने पानी में तो यह है फ़िलहाल मैं पानी तो सादा इस्तेमाल करवाता हूँ, लास्ट ईयर मैंने जो है एक मल्टीविटामिन यूज़ किया था और उसका नाम था कोई लाइफोवेट, तो मैं इस्तेमाल कराता रहता हूँ 1 महीने 2 महीने में, वो तो अच्छा ही है, एक और विटामिन यूज़ किया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
अच्छा दूसरा ये है, बर्ड्स को मैं जो है वो दाने में ये कराता हूँ जो नॉर्मल दाना होता है लेकिन थोड़ा सा हटके होता है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करें तो इसमें है काला बीच, भंग, खुरतुम, कनेरी, लेकिन कनेरी की जो तादाद है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कनेरी जो है वो एक तरीके से प्रोटीन का काम करती है बर्ड के अंदर, और बर्ड प्रोटीन मतलब ताकत। बिल्कुल अच्छा आप बीज बेशक कम करवा दें लेकिन जो कनेरी है ना, ये कनेरी जो है छोड़ता ही नहीं है बर्ड। अच्छा जो कनेरी है ये बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि इसमें खुरतुम है, मोटी कंगनी है, और बाजरा जो है वो मकाओ बाजरा इस्तेमाल किया गया है। मकाओ बाजरा जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा लंबा होता है, तो ये मकाओ बाजरा इस्तेमाल करा सकते हैं। मकाओ बाजरा थोड़ा मीठा होता है और बर्ड जो है आराम से उठा लेता है। सर्दियों में मकाओ बाजरा प्रेफर किया जाता है क्योंकि बर्ड कड़वी चीज़ नहीं उठाता वो। अच्छा दूसरा ये है रिंगनेक्स को मैं एक और चीज़ इस्तेमाल कराता हूँ। रिंगनेक्स का दाना भी आपको दिखा देता हूँ मैं। रिंगनेक्स को ये जो है सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में इस्तेमाल करवाता हूँ। अच्छा इसमें जो है मूंगफली है, खुरतुम है, भंग है और काला बीज है। इसमें एक चीज़ कम है वो है ईरानी बीज बड़ा, वो मिल नहीं रहा है फ़िलहाल, मार्केट में थोड़ा शॉर्ट है, इस वजह से वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन का बूस्टर इस्तेमाल होता है ब्रीडिंग सीज़न में। ठीक अच्छा ये दाने में तो यही है फ़िलहाल। है, और तो राफी भाई ये बताएं रिंगनेक के कितने पेयर लगे हैं आपके पास? रिंगनेक के पास मेरे पास दो पेयर हैं माशाल्लाह से। एक तो माशाल्लाह ब्रीड करता है हर साल मेरे पास और इसका सीज़न स्टार्ट हो रहा है। अच्छा रिंगनेक का सीज़न जो है ना वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों के पास ब्रीड आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इनमें सीज़न इनके पेयर्स के हिसाब ही होता है। कुछ अमरूद वाले पेयर होते हैं, कुछ आम वाले होते हैं, कुछ नीम वाले होते हैं। अब ये जो मेरे पास है ये अमरूद वाला पेयर है और ये जनवरी में स्टार्ट करता है ब्रीड। अच्छा सही है। और वो जो आम वाले होते हैं वो गर्मियों के एंड जब ऐसे आम जो सूर्य फूल जब लगता है ना आम का, और वो स्टार्ट कर देते हैं ब्रीड। सही है ठीक है, तो फिर हाँ रिंगनेक के पेयर भी थोड़े से दिखा दें व्यूअर्स को। चले आगे दिखाते हैं आप। जी तो राफी भाई ये पेयर कौन सा है बताइए व्यूअर्स को। माशाल्लाह से ये टॉकिंग पेयर है और ये एक बेहतरीन सेटअप से लिया गया है। इसको लिए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये टॉकिंग करता है पेयर जो है, और ये उस बंदे का कहना है कि ब्रीड है वे पेयर है और इंशाल्लाह ही ब्रीड भी करेगा मेरे पास। ठीक है, तो और कोई पेयर रिंगनेक का हो? मिट्टू जी तो राफे भाई ये पेयर बताएं। ये भी माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है। उसकी फीमेल जो है बहुत ही ज़्यादा मैसिव साइज़ की है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जो है मेरे पास ये लास्ट टाइम ब्रीड की थी, इसमें मेरे पास 4 चिक्स निकाले थे और इसके मिथ भी है कि एक से ज़्यादा ब्रीड नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक से ज़्यादा ब्रीड कर सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका हैच हुआ वो बच्चा कितनी जल्दी उठा लो। अच्छा इनका सीज़न जो होता है वो मार्च तक ख़त्म हो जाता है, तो मार्च से पहले पहले आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले लें। 21 दिन में बच्चा निकलता है, तो ऐसे करते करते आप महीने 3 महीने से 4 महीने में ब्रीड ले सकते हैं, दो से तीन ब्रीड ले सकते हैं आराम से। तो राफे भाई व्यूअर्स को ये बताएं कोई न्यू फैंसियर जो है बर्ड्स की फील्ड में आना चाह रहा है कौन से बर्ड्स से वो बिजनेस स्टार्ट करे? अच्छा मेरा ये मशवरा है कि वो जो है लव बर्ड्स की तरफ जाए, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ एक लव बर्ड्स फैंसियर एज एग्रीकल्चरिस्ट, मैं इसी बात की मशवरा दूंगा कि वो लव बर्ड्स की तरफ जाए। वो जो है सूटेबल बर्ड्स हैं और अच्छा ब्रीड कर जाते हैं, चार चार बच्चे भी निकाल देते हैं, और आप उनको अच्छी फीडिंग और अच्छे उनको दाना पानी करो। अच्छा दूसरा ये है कि आप जो है सबसे पहले फ़िशर से स्टार्ट करो, और उसके बाद अगर आपके पास फ़िशर सूट कर जाए ना तो फिर बगैर सोचे मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतना ज़्यादा मीठा होगा बात वो ये। दूसरा यह है कि आप एल्बिनोज जो हैं वो एक बेहतरीन बर्ड है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप चाहते हो कि यार मैं बिज़नेस करूं तो आप एल्बिनोज की तरफ जाओ। स्प्लिट्स के चक्कर को छोड़ दो, क्योंकि इनको समझने में आपको टाइम लेगा और टाइम कंज्यूमिंग तो है, और ये जो है एक पेशेंस का शोबा है, मतलब अगर आप आ रहे हो तो आपके अंदर सब्र होना ज़रूरी है। अच्छा इसमें नुकसान भी होता है, तो ये सब नुकसान फ़ायदा तो एक कारोबार का हिस्सा है। अच्छा अगर आप शौक के व्यू से देख रहे हो तो आप कोई से भी बर्ड्स लगा सकते हो, लव बर्ड्स लगा लो, कॉकटेल्स लगा लो, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि एल्बिनो जो है इनकी मार्केट नहीं गिरती, इनको कोई डिनाई नहीं करता लेने से। एल्बिनो रेड आइज़ हो गए, एल्बिनो ब्लैक आइज़ हो गए, इनको मतलब हर हाल में लेना ही लेना होता है हर बंदे में, चाहे वो जाल वाला हो। अच्छा और वो न्यू फैंसियर जो ख़रीद लेते हैं, कोई मसला नहीं है एल्बिनोज को सोल्ड और बाय करने में। ठीक है, तो एंड में जो है आप ये बताएं बर्ड्स के जो चिक्स वगैरह आएंगे सेल करेंगे सेटअप को बढ़ाने की? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक आध सेल कर भी देंगे, कोई मसला नहीं है, वो देख लेंगे जो भी होगा आपके व्यूअर्स को बता देंगे। आप ऐसा करें लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, नंबर भी बता देता हूँ। लोकेशन मेरी है मलीर कोकरा पार्ट नंबर 2। अच्छा मेरा नंबर है 03180281357।
मेरा नाम है अब्दुल राफ़ी, आपका जो भी न्यू फैंसियर आएगा उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको अच्छा मशवरा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो चिक्स फ़िलहाल अभी सेल करने के लिए हैं वो है ग्रीन ऑफलाइन का चिक है और एक फिशर स्प्लिट ब्लू का चिक है, तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। और उसके पेरेंट्स से पार ब्लू अपलाइन और फिशर स्प्लिट ब्लू, तो अगर वो कोई लेना चाहेगा तो उसको मुझे सेल करने का इरादा है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था राफे भाई का सेटअप। अगर इसी तरीके से किसी भाई को अपने बर्ड्स के सेटअप वगैरह की वीडियो बनवानी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बर्ड्स के सेटअप की वीडियो बनाते हैं और अपने चैनल पे इसी तरीके से अपलोड करते हैं, तो कोई भी भाई अगर वीडियो बनवाना चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना और राफे भाई का जो है दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।